हाँ बेटा, वीडियो नंबर 4। कॉपर धातु का मानक इलेक्ट्रोड वेब ज्ञात करना, दूसरा एग्जांपल लिया। एग्जांपल नंबर 2, कॉपर का कैसे ज्ञात करते हैं। इनोट CU ऑब्लिक CU2 प्लस ज्ञात करना, मैंने वही SHE की सहायता से, मेरा एक ही काम है, जिसका जिस धातु का ज्ञात करना है उसको SHE से जोड़ दो। ये मैंने जोड़ दिया। इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में, ये SHE एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। ये जब मैं सेल बना दूंगा तभी पता लगेगा इस विद्युत विभव की सहायता से कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, विभव मापी में विद्युत धारा की दिशा कहां हो रही है, तभी पता चलेगा कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। जो धातु अधिक क्रियाशील होती है वो एनोड की तरह, जो कम क्रियाशील होती है वो कैथोड। ये सेल का निरूपण करने के बाद ही पता चलेगा मुझे कि कौन एनोड कौन कैथोड। जब मैंने इस सेल को जोड़ा तो SHE यहाँ एनोड था, CU कैथोड था, सेल बन गया। ये आपके सामने सेल बना दिया मैंने, ये SHE आपके सामने बना रखा है और ये CU का इलेक्ट्रोड आपके सामने। SHE ये प्लेटिनम का तार है, ये प्लेटिनम ब्लैक है, H प्लस आयन सांद्रता में डूबा हुआ है, मोलरता 1M है, लवण सेतु है, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है, इसकी सांद्रता 1M है, विभव मापी है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से यहाँ, विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ से यहाँ उल्टा, इलेक्ट्रॉन SHE से कॉपर की तरफ गए, विद्युत धारा कॉपर से SHE की तरफ आई, ये आपका निरूपण। जब मैंने सेल को जोड़ दिया तो इस विभव मापी की सहायता से इसका E0 सेल की जो वैल्यू है इस कॉपर इस इलेक्ट्रोड की, वो 0.34 वोल्ट मुझे प्राप्त हुई। इस सेल का सेल विभव मुझे इस विभव मापी की सहायता से 0.34 वोल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका, इस कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड वेब ज्ञात करना है। सूत्र है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 सेल की वैल्यू E0 कैथोड, कैथोड यहाँ CU ऑब्लिक CU प्लस 2 है, E0 यहाँ एनोड पर SHE है, E0 सेल की वैल्यू 0.34 वोल्ट है, इसका मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। माइनस की जगह माइनस, SHE का 0.0 वोल्ट होता है, तो जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई E0 CU ऑब्लिक CU प्लस 2 की 0.34 वोल्ट, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो गया। ये देख ली, आपके सामने ज्ञात कर दिया कॉपर धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट होता है, जो आपके सामने ज्ञात कर लिया। जिंक का ज्ञात हुआ माइनस 0.76, इसका 0.34। एक विशेष बात याद रखना, किसी भी धातु का ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन बराबर होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। क्या मतलब है, सुन लीजिए, कि जिस धातु का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव और रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव बराबर होते हैं, वैल्यू बराबर होती है, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो धातु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है उतने ही ग्रहण करेगी। बेटा एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कॉपर CU का E0 ये 0.34 वोल्ट प्राप्त हुआ मुझे, है ना, ये मान लीजिए ऑक्सीडेशन है, तो इसका रिडक्शन भी 0.34 होगा लेकिन उसका चिन्ह विपरीत होगा। मतलब कॉपर धातु का ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान बराबर होगा लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, क्योंकि कॉपर जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतने ही ग्रहण करेगी। बेटा याद रखो, अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है ना तो हमेशा 2 ही ग्रहण करती है, इसलिए ये वैल्यू बराबर होती है, लेकिन एक त्यागती है एक ग्रहण करती है तो चिन्ह अपने आप विपरीत हो जाएंगे। तो ये याद रखना, ई ऑक्सीडेशन बराबर ई रिडक्शन, लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉपर का निकाल दिया आपके सामने, इसकी अभिक्रिया आप देख लेना पहले की तरह, जैसे कि सब इस पर एनोड पर क्या हो रही है, कैथोड पर क्या हो रही है, कुल सेल अभिक्रिया क्या हो रही है, वो सिंपल है, आप देख लोगे इसको, है ना, ये कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड विभव। अब क्वेश्चन क्या है कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, कि डेनियल जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, हमें ज्ञात करके बताना है। क्वेश्चन आ गया, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो।
आंसर कैसे दूंगा। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही सूत्र है मुझे विद्युत भागबल ज्ञात करने का, ठीक है। अब डेनियल सेल के अंदर ई नॉट सेल ज्ञात करना है मुझे, ई नॉट सेल कैथोड। डेनियल सेल हम जब देखते हैं तो उसके अंदर जो कैथोड होता है वो सीयू का होता है, तो सीयू प्लस टू ऑब्लिक सीयू माइनस एनोड ए जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन, ये लिख दिया मैंने। डेनियल सेल में कैथोड जो होता है वो सीयू का होता है, एनोड जो होता है वो जेड एन का होता है, ये मुझे याद करना है। ई नॉट सेल इक्वल टू, अब कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये रहा कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 आपके सामने, माइनस जिंक का, इससे पहले ज्ञात करके बताया मैंने जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ये रहा 0.76 वोल्ट माइनस में, तो यहां लिख दूंगा माइनस 0.76 वोल्ट बराबर 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, आंसर 1.10 वोल्ट। ये डेनियल सेल का विद्युत भाग बल 1.10 वोल्ट होता है, ये आपके सामने आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आंसर ऐसे निकालना है, सूत्र फिट कर दिया। डेनियल सेल में एनोड की जगह एनोड, कैथोड की जगह कैथोड, इसका 0.34 निकाल के बताया, इसका पहले निकाल दिया, दोनों को ऐड करके 1.10 वोल्ट, डेनियल सेल का विद्युत भाग बल 1.10 वोल्ट होता है, ठीक है बेटा आपके सामने आया। आगे चलते, ये डेनियल सेल का विद्युत भाग बल हो गया, एनोड कैथोड हो गया, है ना। अब क्वेश्चन आया एक अगला क्वेश्चन कि निकाय एम जी प्लस टू ऑब्लिक एम जी का ई नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन, आप मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करोगे, किस तरह से आप मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करोगे, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर क्या दोगे, मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करोगे, तो मैं आंसर क्या दूंगा कि जिस धातु का मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसको SHE से जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल बनाऊंगा। मुझे मैग्नीशियम का ज्ञात करना है तो इसको SHE/Mg, ये मेरा एक विद्युत रासायनिक सेल बन गया जिसमें ये एनोड की तरह हो गया, ये कैथोड की तरह हो गया, ये लवण सेतु हो गया। अब इस सेल का जो ई नॉट सेल आएगा उसकी सहायता से मैं इस मैग्नीशियम का ज्ञात कर लूंगा, जैसे मैंने कॉपर और जिंक का ज्ञात करके बताया, ये मुझे आंसर देना है। तो आंसर मुझे देना है कि मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड ज्ञात करने के लिए इस मैग्नीशियम को SHE से जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल बनाऊंगा, उस विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव की सहायता से मैं मैग्नीशियम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लूंगा। ये सेल बन गया, SHE एनोड होगा, मैग्नीशियम कैथोड लवण सेतु, जैसे ऊपर बनाया इसका डायग्राम भी बना सकता हूँ मैं, इसकी एनोड कैथोड पर कुल सेल अभी का भी लिख सकता हूँ, एनोड पर क्या होगा कैथोड पर निरूपण सब कुछ कर सकता हूँ मैं इसका, है ना। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ये वैल्यू हमेशा दी होगी, सेल का सेल विभव आपको दिया होगा हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा सांद्रता 1 mm हो, ताप 298 केल्विन हो, मेरी बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, कि जरूरी नहीं है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव मैं ज्ञात कर रहा हूं उस समय परिस्थितियां मानक हो, ई नॉट हो। जरूरी नहीं है कि जो विलयन लिया है धातु का जिसमें धातु डूबा हुआ है उसकी सांद्रता 1 mm हो, वो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, 2 mm 3 mm मोलरता का, 4 mm का, 0.1 मोलरता का, 0.2 मोलरता का, जरूर नहीं है कि 1 mm हो। ताप 300 भी हो सकता है, 400 केल्विन भी हो सकता है, 250 केल्विन भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में मैं सेल का सेल विभव ई सेल और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु का कैसे ज्ञात करूंगा, क्योंकि ये सूत्र जो लगा रहा हूं मैं बार बार में, ई नॉट सेल